टाटा की नई एच बी एक्स। बी एक्स का मतलब क्या है? बी एक्स का मतलब है एक ऐसी छोटी स्मॉल कार जो कि माइक्रो एसयूवी वाले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ सके, यानी नेक्सॉन के ठीक नीचे पोजीशन हो सके। तो क्या यह H2X का ही आगे का फॉर्म है? शायद आप सही सोच रहे हैं, यह H2X के आगे का ही फॉर्म है। पूरी बात करते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कारगुरु। सबसे पहले निगाह रखते हैं कि आखिर फ्रंट से देखने में कैसी लगी है। आपको यही हैरियर स्टाइल की हेडलाइट्स मिलती हैं, ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं बिल्कुल वही सिमिलर हैरियर स्टाइल के, और सामने ही आपको एडिशनली लाइट दे रखी गई है, नीचे आपको ग्रिल जो दे रखी गई है वह भी कुछ कुछ आपको नेक्सॉन जैसी कार की याद दिलाएगी। टायर बड़े चंकी लग रहे हैं और देखने में ये इस समय बता रहे हैं कि ये 15 और 16 इंच के लगाए गए हैं, स्पेशली हाई मॉडुलर डिजाइन के हिसाब से लगे हुए हैं। और आप इस पर एक निगाह डालिए, फिर मैं आपको पूरी डिटेल से देता हूँ कि यह एक्चुअल में कैसी लग रही है। आइए अब आपको डिटेल से एक एक चीज़ में दिखाता हूँ इसकी कि यह कैसी लग रही है देखने में। बैक साइड से ध्यान से देखें तो ये कुछ लाइटिंग जो है वह कुछ कुछ नेक्सॉन और क्विड की मिक्स सा लग रही है। देखें आराम से, इसमें रिफ्लेक्टर्स भी है मौजूद और इसी में रिवर्स पार्किंग सिस्टम भी दिख रहा है। और ये टाटा की बैजिंग बड़ी शानदार लग रही है। नीचे उसमें कैमरा है और HBX जो इसका नाम उन्होंने दिया है कोड नेम। और ये देखिए छोटी छोटी लाइटिंग का इंतजाम, डिटेलिंग बड़ी अच्छी लग रही है। इधर भी साइड में देखिए सीट प्लेट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप नीचे की तरफ से देखें तो आपको एहसास होगा क्या बात है, रियली काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। टायर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, चंकी टायर अगर कार ओरिजिनल कार में आ जाए तो मुझे मज़ा आ जाए। और जिस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस है, ये 230 mm के आसपास दिख रही है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मुझे मालूम है जब ओरिजिनली कार लॉन्च होगी तब शायद यह इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ना आए। लेकिन हाँ, आपको अब फ्रंट की तरफ निगाह डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ फ्रंट से कैसी लग रही है। ऊपर से देखते हैं, हाँ यहाँ से सही है, ये सही सबसे सही लुक आ रहा है इसका। देखिए लाइटिंग कितनी बेहतरीन है, हैरियर की याद दिलाती है। और इस साइड आपको मिल रहे हैं प्रोजेक्शन हेडलैम्प और नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प भी है। मुझे फ्रंट ग्रिल बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर पूरे प्योर पियानो फिनिश है और नीचे इसमें एयर इंटेक्स भी रखे गए हैं। साइड से देखिए आपको लगता है कोई बेहतरीन कार के साथ सामने आप खड़े हुए हैं। आप कोई माने या ना माने, टाटा अपनी डिजाइनिंग पर बहुत मेहनत करता है। ऐसा लगता है कार को उसने सजा के पेश कर दिया हो, और यही वजह है कि टाटा की कारों को आजकल बहुत रिस्पेक्ट भी मिल रही है। हाँ अभी कुछ चीज़ों पर काम करना बाकी है, लेकिन डिजाइनिंग और सेफ्टी पे वह जो नई कारें लॉन्च कर रहे हैं इम्पैक्ट डिजाइन फिलॉसफी के बाद से, वो बहुतों को पसंद आ रही है। मुझे भी बहुत पसंद आ रही है क्योंकि इम्पैक्ट डिजाइन फिलॉसफी में कई चीज़ें शामिल हो रही हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए एक छोटा सा गेंडा बना हुआ है यहाँ पर, पता नहीं आपको कैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है देखिए। हाँ ये ऐसी कई चीज़ें, जैसे फ्यूल लिड देखिए किस तरह डिजाइन दिया गया उसका, ये कई चीज़ें बताती है कि टाटा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऊपर रूफ रेल दे रखी गई है जिस पर कि उन्होंने कैरियर लगा रखा है, स्टॉप लैंप भी है। कार को देख के मुझे लगता है कि लगभग यह प्री प्रोडक्शन मॉडल है, और इंटीरियर तो आपको शायद अब मैं दिखा पाऊंगा अच्छे से। स्टीयरिंग व्हील वही जो नेक्सॉन वाली है वही लग रही है, और हाँ वैसे ही पॉपअप टाइप का LCD स्क्रीन है। और इधर आपको AC वेंट है, जो AC वेंट है उनके ऊपर कलर पेंट दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस साइड स्टार्ट स्टॉप का बटन स्टेयरिंग के ठीक बाईं तरफ दिया हुआ है। और जी हाँ, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है क्योंकि तीनों पैडल सामने दिख रहे हैं कार के, और वह इसको बेहतर बना रहे हैं। और सीटिंग की बात की जाए तो मैनुअली एडजस्टेड सीटें हैं, और इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, जो ये बताता है कि यह एंट्री लेवल ही रहेगी और नेक्सॉन के ठीक नीचे पोजीशन होगी। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुछ नेक्सॉन जैसी ही देखने में लग रही हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी बेहतर है। अब पीछे की सीट्स पे देखते हैं वहाँ से कैसा इसका लुक आता है। आइए बस बने रहिए, मैं आपको बैक साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ, फिर पीछे की चीज़ें दिखाते हैं कि वहाँ से कैसा लग रहा है। हेलो, वेलकम, थैंक यू। अब आपको मैं ध्यान से अच्छे से दिखा देता हूँ, बहुत छोटी छोटी जल्दी जल्दी से क्विक में। और ये देखें टच स्क्रीन कितना बेहतरीन है, लुक देख के आपको लगता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल काफ़ी कुछ हैरियर की याद दिलाएगा आपको कि हैरियर में कैसा है, बिल्कुल वैसे ही याद दिलाएगा। स्टीयरिंग व्हील देखिए आप ध्यान से, स्पेस, सीट्स की क्वालिटी काफ़ी कुछ बताती है
कि टाटा काफ़ी अच्छे से काम करने की कोशिश में लगा हुआ है कि वह बेहतरीन प्रोडक्ट दे, कम से कम देखने में। बाकी अब मैं दिखा सकता हूँ जरा इसकी बैक सीट पर जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि वह कैसी होगी। आहा, इसमें भी वही हैंडल है, देख लीजिए आप ध्यान से, ये हैंडल दिए गए हैं। और वाह क्या है इस बात है, स्पेस भी मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है, जो ये बताता है कि कार में काफ़ी अच्छा जनरस स्पेस रहेगा। रियर हेडरेस्ट एडजस्टेड है, आर्मरेस्ट भी बीच में दे रखा गया है, स्पेस भी काफ़ी है, थोड़ा ग्रे टोन में है, ब्लैकिश है मेरे अंदाज, अगर ये वाइट टोन में या बीज इंटीरियर के साथ आ जाएगा तो कुछ बात बन जाएगी। ये जिसकी बात कर रहा था, ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, कोई माने या ना माने, काफ़ी कुछ डिज़ाइन पे नकल है। ये देखिए, ये हिस्सा आपको नेक्सॉन की याद दिलाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मिनी नेक्सॉन जैसा फील करा रही है। इंटीरियर दबा दे, देखिए बॉटल होल्डर्स आपको देख के एहसास हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फिनिश, इधर देखता था आपको, ओ ये लॉक्ड है, आधा मैं आपको दिखा सकता। अब देखिए म्यूजिक सिस्टम, नीचे 12 वोल्ट सॉकेट, ऑक्स इनपुट, यूएसबी पोर्ट, सब यहीं पे दे रखा है इन्होंने। ये देखिए बॉटल होल्डर्स, 12 वोल्ट सॉकेट, और ये देखिए ये बड़ा अच्छा टच है, बड़ा अच्छा, अजीब अच्छा सा लग रहा है। मैं आपको स्टीयरिंग पे भी, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा यहाँ भी एक छोटा सा हॉर्न बना हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, और यहाँ ये कंपास, इसकी तो बात ही अलग है, बिल्कुल अलग सा फील है। एयर बैग्स रखे गए हैं, एक ही कमी है, इतनी छोटी कार में अगर टाटा मोटर्स एक सनरूफ लगा दे तो कैसा रहेगा, बताना आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या आप एक सनरूफ भी एक्सपेक्ट करते हैं इस कार के साथ, क्योंकि मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि यह काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट रहेगा सबके लिए, और इंडियंस को काफ़ी पसंद भी आएगा क्योंकि काफ़ी गुड लुकिंग है, बेहतर लग रहा है और शानदार भी है। आपको यह कार कैसी लग रही है, आपको क्या लगता है इस कार का असली मुकाबला किस कार के साथ होगा, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये बताइएगा मुझे ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक का बटन दबाइए। हाँ, आप अगर मुझसे पूछना चाहें कि इसमें इंजन कौन सा आएगा तो आपको बता दूँ, इसमें वही टियागो वाला इंजन आएगा जो आप अल्टोज वगैरह में भी देख चुके हैं, वही इंजन आपको मिलेगा, 5-speed गियर बॉक्स के साथ आएगा, और बाकी ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। फिलहाल मुझे AMT के साथ आने की उम्मीद है कि हो सकता है इसे आगे कभी AMT के साथ दिया जाए। हाँ, बताइएगा आपको क्या चीज़ बेहतर लगी, और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं बता दूं आपको, इस कार की कीमत जहाँ तक मेरा ख्याल है 5 लाख रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक जा सकती है, क्योंकि अल्टोज की प्राइसिंग के बाद थोड़ा सा टाटा की उम्मीदें बढ़ गई हैं, वह प्राइसिंग को काफ़ी अग्रेसिव रखने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन सोचिए इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी नई नई कारों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आया करता हूँ। हमेशा देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कारगुरु, तब तक आपको टाटा मोटर्स के स्टॉल का एक नज़ारा दिखा देते हैं कैसा है। हाँ, आगे मत देखना, वहाँ स्कॉडा का स्टॉल है, बस यहीं तक निगाह रखिए आप लोग, भले मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, टाटा के पास बहुत सारे पिटारे में ट्रक और बसें भी है, अब आप मुझे बताना आप इनमें से क्या देखना चाहते हो, क्या वो नेक्सॉन, अरे नहीं आप तो देख ही चुके हो, क्या देखना उसे।